गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी बुक आकृति हिंदी पाठमाला। आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इसके पहले वीडियो में हमने हिंदी सेकंड पढ़ाया था, ठीक है, लिखवाया भी था, पीडीएफ भी भेज दिया आपका। अब आज आपका टर्न है हिंदी फर्स्ट, ठीक है, हिंदी लिटरेचर, ठीक है, आकृति हिंदी पाठमाला। आप लोग अपनी अपनी बुक निकालिए और हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, एक कहानी है, उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। चैप्टर टू, फर्स्ट पोयम थी, है ना, झूला, और ये है आपका अध्याय टू, चिड़िया और राजा। पार्ट दो, चिड़िया और राजा, ये कहानी है, ठीक है, चिड़िया और राजा की। तो शुरू करते हैं पढ़ना। क्या है इस कहानी में, देखिए, बहुत अच्छी कहानी है, इसको कायदे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा इस कहानी को, ठीक है। शुरू करते हैं पढ़ना। एक चिड़िया को कहीं से एक मोती मिला। एक चिड़िया थी, उसको कहीं से एक मोती मिल गया बच्चों, और चिड़िया ने उसे अपनी नाक में पहन लिया। एक चिड़िया थी और उसे कहीं से एक मोती मिल गया, और चिड़िया ने उस मोती को क्या किया, अपनी नाक में पहन लिया। फिर वह राजा के महल पर जा बैठी और गाने लगी। जब चिड़िया को वह मोती मिल गया तो वह राजा के महल पर जाकर बैठ गई और गाने लगी। क्या गाने लगी, मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। वह गाना गाने लगी कि मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। जब चिड़िया यह गाना गा रही थी तो राजा ने इस गाने को सुना, और जब राजा ने इस गाने को सुना तो वह उसे बहुत गुस्सा आया, और उसने अपने आदमियों से कहा, चिड़िया का मोती छीन लाओ। यहाँ गलत मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे ना रहेगा, छीन लाओ, ठीक है। तो जब राजा गुस्से से नाराज हो गया और आदमियों से क्या कहा, जाओ चिड़िया का मोती छीन लाओ। उन्होंने छीन लाओ, उन्होंने जाकर झट से चिड़िया से मोती छीन लिया। फिर राजा ने जब आदमियों से कहा कि जाओ चिड़िया का मोती छीन लाओ, तो उन्होंने क्या किया, आदमियों ने जाकर झट से चिड़िया से मोती छीन लिया। अब चिड़िया पहले वाला गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी। चिड़िया ने क्या किया, जब राजा ने राजा के आदमियों ने उसे मोती छीन लिया, तो जो पहले राजा चिड़िया ने गाना गाया था, मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती, उस गाने को छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी। क्या गाने लगी देखा जाए, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। सेकंड नंबर का उसने गाना गाया कि राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। यह गीत सुनकर राजा बड़ा शर्माया। जब राजा ने यह गीत सुना कि राजा उसे चिड़िया उसे भिखारी बना रही है, तो वह बहुत शर्माया और उसने चिड़िया को उसका मोती लौटा दिया। और उसने शर्म के मारे चिड़िया का मोती क्या किया, चिड़िया को लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गीत शुरू किया। जब राजा ने चिड़िया को मोती उसका वापिस कर दिया, तो राजा तो चिड़िया ने क्या किया, दूसरा गीत गाने लगी। क्या गाने लगी, राजा तो डर गया मेरा मोती दे दिया। चिड़िया ने तीसरा गीत गाया कि राजा तो डर गया और मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। जब यह गीत वह सुना तो राजा क्या हुआ, गुस्से से लाल हो गया, बहुत क्रोधित हो गया, और उसने चिल्लाकर कहा। तब राजा गुस्साया और उसने क्या किया, राजा ने चिल्लाकर कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। राजा ने गुस्सा के कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। उसके आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया फुर से उड़ गई। जब राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, तो क्या की, चिड़िया तो फुर से उड़ गई, और राजा क्या किया, हाथ मलता रह गया। राजा क्या किया, हाथ मलता रह गया। ये कहानी आप लोगों को पसंद आई बच्चों, अच्छी लगी ये कहानी आप लोगों को, आप लोग फिर से इस कहानी को पढ़िएगा, ठीक है,
पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी, बहुत अच्छी कहानी है ये, इसको पढ़िएगा ठीक है। जब इस पूरी कहानी को आप लोग पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको खुद आ जाएगा। फिर से एक बार हम इसकी अब रीडिंग कर लेते हैं। आपको कहानी तो हमने समझा दिया पूरी, अब इसको क्या करेंगे पढ़ लेते हैं। एक चिड़िया को कहीं से एक मोती मिला, चिड़िया ने उसे अपनी नाक में पहन लिया, फिर वह राजा के महल पर जा बैठी और गाने लगी, मैं राजा से बड़ी मेरी नाक में मोती। ठीक, यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने अपने आदमियों से कहा चिड़िया का मोती छीन लाओ। उन्होंने जाकर झट से चिड़िया से मोती छीन लिया। अब चिड़िया पहले वाला गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी, राजा भिखारी मेरी मोती मेरा मोती छीन लिया। यह गीत सुनकर राजा बड़ा शर्माया, उसने चिड़िया को उसका मोती लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गीत शुरू किया, राजा तो डर गया मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया, उसने चिल्ला कर कहा पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। उसके आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया फर्र से उड़ गई, राजा हाथ मलता रह गया। आपको क्या करना है, इस कहानी को पूरी पढ़नी है, मिला मिला के पढ़िएगा ठीक है। तो इस कहानी पूरी आपको इस बुक इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, रीडिंग करनी है ठीक है, इस अध्याय को पढ़ना है खूब अच्छे से ठीक है। पढ़ लीजिएगा जैसे हमने पढ़ाया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखते हैं ठीक है बच्चों। आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है। तो क्या कह रहा, देखिए पहला, चिड़िया ने मोती कहाँ पहन लिया। क्या है इसमें कि चिड़िया ने मोती कहाँ पहन लिया, तो कहाँ पहना था, नाक में, आंख में, हाथ में, पैर में, तो कहाँ पहना था, नाक में, नाक में टिक है ठीक है। देखिए फिर चिड़िया का गाना सुनकर राजा को डर आ गया। क्या आ गया था, प्यार, दुलार, क्रोध, इनमें से कोई नहीं। तो चिड़िया का गाना सुनकर राजा को क्या आ गया था बताइए, गुस्सा, क्रोध आ गया था। तो ये क्रोध पर टिक लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है, राजा तो डर गया मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से डर हो गया। क्या हो गया देखिए, हरा लाल पीला नीला। तो यह गीत सुनकर राजा गुस्से से क्या हो गया था, लाल, तो लाल पर टिक लगा हुआ है, यह आपका हो गया। अब देखिए खाली स्थान भरना है, सारा आपको कॉपी में ही, ये सॉरी बुक में ही एक्सरसाइज पूरी करनी है, खाली क्वेश्चन आंसर जो आपको वो कॉपी में करना है। खाली स्थान भरो, चिड़िया राजा के डैश पर जा बैठी, महल पर जा बैठी। कहाँ पे बैठी थी चिड़िया राजा के महल पर जाकर बैठ गई थी, महल पर ही तो जाकर बैठी थी। फिर राजा ने अपने आदमियों से चिड़िया का क्या छीन लाने के लिए कहा था, मोती, तो ये मोती लिखा हुआ है, मोती छीन लाने के लिए कहा। नेक्स्ट है, चिड़िया का गीत सुनकर राजा बहुत क्या हो गया था, शर्मा गया था ना, तो शर्माया, क्या लिखा हुआ है, शर्माया। राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर वह उड़ गई थी फुर्र से, तो यहाँ फुर्र हो जाएगा, फुर्र से उड़ गई, यहाँ फुर्र लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, राजा हाथ मलता रह गया, राजा हाथी तो मलता रह गया था अपना, हाथ मलता रह गया था, चिड़िया फुर्र से उड़ गई, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए खाली स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा हो गया आपका। देखिए इसको आपको क्या करना है, बुक में करना है, इसको बुक में ही फिल कीजिएगा ठीक है। अब आगे का देखते हैं क्या है, सही या गलत लिखो। सही के आगे सही और गलत के आगे आपको गलत लिखना है। तो पहला है, चिड़िया को एक मोती मिला, सही होगा कि गलत होगा बताइए आप लोग।
पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, तो चिड़िया को एक मृत्यु मिला था तो क्या होगा, सही। तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है, देखिए सही लिखा है। फिर है चिड़िया राजा के सिंहासन पर जा बैठी, गलत सही की गलत, सारा पूरा आपने कहानी पढ़ी है। सिंहासन पे जा बैठी थी, नहीं महल पर जा बैठी थी, तो क्या होगा गलत, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है। फिर है राजा गाना सुनकर बहुत खुश हुआ था, सही की गलत बताइए, गलत होगा। फिर है अंत में चिड़िया फुर हो गई, सही की गलत क्या होगा बताइए, सही। तो ये आपका सही या गलत लिखो वाला हो गया पूरा, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत, ये पूरा हो गया आपका। देखिए खाली स्थान और सही या गलत लिखो, ये पूरा हो गया, देखिए हो गया ना। अब आपको हम क्वेश्चन सर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन सर कर लीजिए अपना, ठीक है। तो अपनी अपनी वर्ड मीनिंग क्वेश्चन सर दोनों करना बच्चों, तो अपना अपना निकालिए कॉपी और देखिए जो हम बता रहे हैं इसको देखिए, ठीक है, और कायदे से लिखिएगा इसको, साफ साफ सुंदर सुंदर देखिए। ये आपका पार्ट दो चिड़िया और राजा, यही आपका चैप्टर है, पार्ट दो चिड़िया और राजा ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे, शब्द और अर्थ, ठीक है। तो बहुत का अर्थ होता है ज्यादा, बहुत का क्या अर्थ होता है ज्यादा होता है। शर्माया, शर्माया का अर्थ होता है लज्जित हुआ, शर्माया का अर्थ क्या होता है, लज्जित होना होता है, तो यहाँ हुआ है, लिखा हुआ है लज्जित हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखिए गुस्सा, गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध, गुस्से का शब्द का अर्थ होता है क्रोध, ये क्रोध लिखा है। फिर है चिल्ला कर तेज बोलकर, चिल्ला कर का अर्थ होता है तेज बोलकर, तो ये वर्ण मीनिंग आपका हो गया, बहुत ज्यादा शर्माया लज्जित हुआ, गुस्सा क्रोध चिल्ला कर तेज बोलकर, तो ये वर्ण मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है आपका चिड़िया ने मोती का क्या किया, पहला क्वेश्चन क्या है, चिड़िया ने मोती का क्या किया था, आपने पूरी कहानी पढ़ी है तो क्या किया था बताइए। तो चिड़िया ने मोती को अपने नाक में पहन लिया, क्या किया, चिड़िया ने मोती को अपने नाक में पहन लिया, आंसर लिखिएगा, बोल बोल कर लिखिएगा क्वेश्चन आंसर, जब बोल बोल कर आप लोग लिखेंगे तो आंसर आपको याद होता जाएगा, क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो बोल बोल कर लिखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, तो चिड़िया ने मोती पहनने के बाद कौन सा गाना गाया, क्या है, चिड़िया ने मोती पहनने के बाद कौन सा गाना गाया, तो बोल बोल कर लिखिएगा, चिड़िया ने गाना गाया मैं राजा से बड़ी मेरी नाक में मोती, क्या होगा, चिड़िया ने क्या गाना गाया, चिड़िया ने गाना गाया मैं राजा से बड़ी और मेरी नाक में मोती, जो भी आंसर लिखिए बोल बोल कर लिखिएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए अगला क्या है क्वेश्चन आपका, राजा के आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने कौन सा गाना गाया, जब राजा के आदमियों ने चिड़िया का मोती छीन लिया था तो चिड़िया ने कौन सा गाना गाया था, आपको याद होगा ना, हमने आप पढ़ाया है अभी कहानी में, तो आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने फिर गाना गाया, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया, यही गाना गाया था ना, कि आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने फिर गाना गाया कि राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया, यही गाना गाया था, बोल बोल कर आंसर लिखिएगा, जो भी लिखिए आंसर उसको बोल बोल कर लिखिएगा, जब बोल बोल कर उत्तर लिखेंगे तो आपको साथ में याद होता जाएगा, जो कुछ लिखिए उसको बोल बोल कर लिखिएगा साथ में, तो लिखने के साथ आपको आपका उत्तर याद होता जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से क्या कहा, क्या क्वेश्चन है कि राजा ने
गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से क्या कहा था? आपने पूरी कहानी पढ़ी है, हम बता रहे हैं आपको। राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। यही कहा था ना, क्या कहा था कि राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। लास्ट है आपका कि राजा हाथ मलता क्यों रह गया था? मलता रह गया था अपना हाथ, क्योंकि चिड़िया फुर से उड़ गई थी। तो क्या होगा आपका उत्तर? चिड़िया फुर से उड़ गई, राजा हाथ मलता रह गया। जब राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने गए तो चिड़िया तो फुर से उड़ गई, तो राजा क्या किया, हाथ मलता रह गया। तो वही आंसर है, चिड़िया फुर से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। जो हम फिर से बोल रहे हैं, जो भी लिखिए उसको बोलते जाइए और आंसर लिखते जाइए क्वेश्चन आंसर। तो आपको लिखने के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी याद होता जाएगा। जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों? तो ये आपका क्या हो गया, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया, अध्याय 2 पार्ट 2 का। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका, ये एक्सरसाइज भी पूरा हो गया, फिलअप, सही गलत, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए, ये सारा आपका पूरा हो गया। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। ठीक है, जो हमने पढ़ाया उसको आपको क्या करना है, फिर से कह दे रहे हैं, घर पे इस कहानी को दोबारा पढ़िएगा, फिंगर रख रख के कायदे से धीरे धीरे इस कहानी को पुनः पढ़िएगा। जब पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, और याद भी हो जाएगी। क्वेश्चन सर विला प्रूफ ऑल जो भी है सब आप अपने मन से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके, मन लगा के घर पे पढ़िए। धन्यवाद।